चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बच्चों हमने कुछ राइट्स पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स जो कि 6 होते हैं। इसमें मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी वो पढ़ाया था। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच वर प्रोवाइडेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जो भारत के हर नागरिक का अधिकार है। तो इसमें हमने पढ़ा था वेरी फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दीज आर दी 6 फंडामेंटल बेसिक राइट्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम ये दोनों एक्सप्लेन कर दिए थे। नाउ वी आर ऑन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन मीन्स टू हैरेस समवन, किसी को परेशान करना, किसी का शोषण करना। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण, एक्सप्लोइशन का मतलब होता है शोषण। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहीं भी किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा हो, उसे जबरदस्ती लेबर बना के काम किया जा रहा हो, उसको ज्यादा काम करवा के कम तनख्वाह दी जा रही हो, या घर में ही किसी का घरेलू भी शोषण किया जा रहा हो, तो ये जहां भी शोषण होता है उसके खिलाफ हम हमारे संविधान के तहत आवाज उठा सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये किसको रोकता है? सबसे पहले प्रोहिबिट करना यानी रोक लगाना। इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती से मजदूरी करवाना या जबरदस्ती से किसी को मजदूर बनाना। बैगर होते हैं जिसमें किसी को अपना जबरदस्ती से भिखारी बना के, छोटे बच्चों को हम लोग कई बार देखते हैं कि वो बेचारे भीख मांगते हैं, या कोई बड़े ही हैं जिनको जबरदस्ती से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों एक्सप्लोइटेशन में आती है, तो इसके खिलाफ हम लोग हमारे संविधान के तहत आवाज उठा सकते हैं। इट प्रोहिबिट्स रोकता है ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, किसी भी तरीके की जबरदस्ती जो लेबर मतलब मजदूरी करवाई जाती है वो उसको रोकता है। इट प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर। और किसको रोकता है? प्रिवेंट यानी भी रोकना, प्रिवेंट यानी भी रोकना मतलब वो बाल मजदूरी जो है, चाइल्ड लेबर है, उसको भी रोकता है। चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, हमारे संविधान ने एक रूल बनाया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यदि काम करते पकड़े जाते हैं, तो जिस प्लेस पे काम करते पकड़े जाते हैं उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, प्लस के उसके जो ओनर है उसको सजा मिल सकती है, जुर्माना भी देना पड़ता है और सजा भी दी जाती है। चाइल्ड लेबर टोटली भारत में बैन है। प्रिवेंट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मैंने आपको बताया था यानी मानव की खरीद फरोख्त। बच्चों होता है ऐसा कि इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है। क्या किया जाता है? विदेशों में मान लीजिए लेबर की जरूरत है, तो यहां से इंसानों को गांव वाओ से जहां लोग गरीब बसते हैं बेचारे, तो उनको क्या किया जाता है बच्चों, इंसानों के कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और उसको ले जाया जाता है खरीद के, और फिर वहां से उसको एक हार्ड कोड मजदूरी करवाई जाती है, बहुत खतरनाक तरीके माइंस में काम करवाया जाता है, लेबर मतलब मजदूरी करवाई जाती है। तो ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहां से इंसानों को उठाना, खरीद फरोख करना, दूसरी जगह उसको ले जाके बेच देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन तीनों चीजों पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन के तहत भारत ने बैन लगा रखा है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके वर्ड से हमें समझ में आ जाता है, राइट यानी अधिकार है, टू फ्रीडम यानी आजादी है, ऑफ रिलीजन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है, भारत ने किसी भी धर्म को अपना जो राष्ट्रीय धर्म के तौर पे स्वीकार नहीं किया है। आप इंडियन सिटीजन है, आप यू कैन चूज वॉट एवर रिलीजन यू वॉन्ट टू फॉलो, आप किसी भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, इवन आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं आपकी इच्छा से, आपको कहीं कोई रोक नहीं है। आप मस्जिद में जाइए, आप मंदिर में जाइए, आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, आप हिंदू से मुस्लिम बनिए, कोई आप पे रोक नहीं है, मुस्लिम से हिंदू बनिए कोई आपके ऊपर रोक नहीं है, आप अपनी इच्छा से अपने बिलीफ, अपने फेथ, अपनी मान्यताओं को फॉलो कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पीपल हैव अ राइट टू फॉलो प्रैक्टिसेस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। प्रीच यानी प्रार्थना करना, है ना, फॉलो करना, किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म के आप अपने आप को उसका अनुयायी बना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या कहता है हमें। कल्चरल
कल्चर यानी होती है बच्चों संस्कृति एंड एजुकेशनल राइट और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार इसको अपन कहते हैं। फिफ्थ जो राइट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसके तहत यदि हम बात करें बच्चों, भारत का संविधान ये कहता है कि आप किसी भी कल्चर को किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं और भारत में भारत के हर नागरिक को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। इवन हमारे संविधान में आर्टिकल 21 ये कहता है, वो कहता है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 ये भी कहता है बच्चों के 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दैट्स वाइट ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको सरकार एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती है और उससे ऑन भी आगे भी करवाती है। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का मतलब होता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आप जैसे मान लीजिए नवरात्रे हैं बच्चों, उत्तर भारत के लोग नवरात्रे आने वाले हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, तो उत्तर भारत के लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं ठीक है, उनकी संस्कृति अलग है। हम लोग गुजरात में चले जाएंगे तो वहां के लोग इन दिनों अपना गरबा सेलिब्रेट करते हैं। तो अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी संस्कृति है, कहीं कोई रोक नहीं है। आप अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जीवन जो है वो चला सकते हैं। एजुकेशन राइट जो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि भारत के हर एक नागरिक को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, कोई भी आपको शिक्षा प्राप्ति से रोक नहीं सकता। तो अब हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। All minorities have a right to conserve and develop their own culture. Minorities कौन होते हैं बच्चों? Minorities का मतलब होता है जो लोग संख्या में कम होते हैं। जैसे भारत की बात की जाए तो minority community में आते हैं मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, जो बुद्ध धर्म को follow करते हैं वो लोग आते हैं, पारसीज जो है minority community में आते हैं। तो उन लोगों को ये नहीं है कि आप लोग कम संख्या में हैं तो आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते, आप अपना मस्क नहीं मना सकते, आप अपना अग्यारी पारसी अग्यारी जो है वो नहीं मना सकते, आप अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को आसानी से फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट ये बच्चों ये सबकी चाबी है। जितने भी संविधान ने अधिकार दिए ये सबकी चाबी है, सबकी चाबी है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहना चाहता है ये? अंडर दिस राइट citizens have the right to go to court. अब यदि ऊपर दिए गए अधिकार भारत का कोई भी व्यक्ति आपको देने से मना करता है, ऊपर के पांचों अधिकार देने से आपको कोई भी मना करता है, तो छठा राइट ये कहता है कि ऊपर दिए गए पांचों अधिकारों को प्राप्त करना भी आपका अधिकार है। यानी ऊपर दिए गए पांचों अधिकारों को प्राप्त करना आपका अधिकार है। छठा राइट ये कहता है कि अधिकारों का अधिकार है, यदि आपको कोई ऊपर दिए गए पांचों अधिकारों को या संविधान में दिए गए अधिकारों को पाने से या देने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार आपको छठा राइट देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि चलिए अब पढ़ते हैं कैसे। अंडर दिस राइट सिटीजन्स हैव द राइट टू गो टू कोर्ट। कोई भी भारत का नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधा, इफ दे फील दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड बाय दिस स्टेट। यदि राज्य या राज्य का कोई नागरिक, कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति यदि आपके अधिकारों को छीनता है तो बिल्कुल छठे अधिकार के तहत आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हैं, अपना कोर्ट में पेशी करवा सकते हैं कि हमें ऊपर दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने से रोका जा रहा है। यह अधिकार आपको संविधान के छठे अधिकार में दिया जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी संविधान के जितने भी अधिकार है वो प्राप्त करने का अधिकार आपको छठे अधिकार में दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने फंडामेंटल राइट्स जो कि अपने 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, अलग अलग फॉर्म्स में हमें इक्वालिटी दी गई है, यानी कायदे के बिफोर लॉ, कायदे के सामने इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस और कास्ट, किसी भी धर्म जाति या ग्रुप को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होगा, ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, भारत के सारे नागरिक किसी भी जो पब्लिक प्लेस है वहां जाने से उनको कोई रोक नहीं सकता, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, और भारत के सारे नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है रोजगार प्राप्ति के ठीक है। तो ये मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी में पढ़ाया था, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके बाद आज हमने पढ़ा था बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
आई होप बच्चों फंडामेंटल राइट्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बच्चों आप इसको थरली लर्न कीजिए फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये जीवन भर बच्चों हमारे काम में आने वाली चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और एजुकेशन लाइफ में भी, एकेडेमिक्स में भी काम आएगा आपके और आपके प्रैक्टिकल जीवन में तो ये काम आने वाली चीज है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।